और उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सिंपल ब्यूटी टिप्स को और बेल पर क्लिक कीजिए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट्स पर। हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ ओलिविया गोल्ड ब्लीच सैफ्रन। फ्रेंड्स, ब्लीच से हमारे जो फेस पर हेयर होते हैं छोटे छोटे, जिससे हमारा जो फेस है वो थोड़ा सा डार्क लगने लगता है। जो हमारे अपर लिप्स के ऊपर हेयर्स होते हैं उसकी वजह से भी वो डार्क लगते हैं, हमारी स्किन कलर डार्क लगने लगता है। तो अगर आप अपने फेस पर ब्लीच करते हैं तो वो एकदम खिलकर आता है और अंदर जो जितनी डर्ट होती है, गंदगी होती है, वो भी बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ ओलिविया गोल्ड ब्लीच सैफ्रन है ये फ्रेंड्स, और ये हमारा 7.5 ग्राम में है और ओनली आप देख सकते हैं ये 20 रुपीज़ का है और सिर्फ हम इसको एक ही बार यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं डेमो दे रही हूँ अपने फेस पर और पूरा रिव्यू हम देखते हैं इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है। पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है देखने में और अंदर पाउच भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये है फर्स्ट मेरा बड़ा है, ये है क्रीम। दूसरा हमारा है एक्टिवेटर और थर्ड एक और निकला है इसमें, वो है हमारा ब्लीच बूस्टर विद स्वर्ण भस्म। आप देख सकते हैं ये तीन पाउच मिले हैं हमें 20 रुपीज़ में और एक ही बार हमें यूज़ करना है। मैं भी एक ही बार ही यूज़ कर आपको दिखाऊंगी कि कैसा रहता है। हमेशा ब्लीच बूस्टर को क्रीम और एक्टिवेटर के मिश्रण में ही मिलाएं। तो इसको हमें कैसे मिलाना है ये हम भूल जाते हैं पढ़ना, फिर समझ में नहीं आता हमें क्या करना है। तो यूज़र मैनुअल को ज़रूर ही रीड करना चाहिए और इसमें नो एडिड अमोनिया है। और ब्लीच में आपने देखा होगा अमोनिया होती है लेकिन इसमें अमोनिया नहीं है। अब हमें यूज़र मैनुअल को भी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि ये एक प्लेट में निकालना है उसको और उसमें ब्लीच को एक्टिवेटर को डालना है, उसके बाद में जो हमारा बूस्टर है उसको हमें ऐड करना है। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कोई भी एक कटोरी ले लेते हैं, सैशे को काट लेते हैं। कटोरी या तो प्लास्टिक की होनी चाहिए या कांच की होनी चाहिए, मेटल में नहीं होना चाहिए। पूरे पाउच को हम इसमें निकाल लेते हैं, लगभग इतना निकलेगा। अब हमें डालना है एक्टिवेटर, पूरा ही डालना है इसमें। तो इसको पूरा डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहले हमें इसको मिक्स करना है तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको, वो नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, अच्छा सा पेस्ट हो जाना चाहिए। तो मैं इसको चेक कर देखती हूँ अपनी फिंगर से कि इसमें कुछ रह तो नहीं गया है। मुझे कुछ लग रहा है कि है, अभी पूरी तरह से ये घुला नहीं है। तो मैं इसको और थोड़ा सा घोल लेती हूँ, लेकिन सारा प्रोसेस आपको जल्दी ही करना है, ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगा लेंगे तो फिर हमारा जो ब्लीच हमारे फेस पर जो काम करता है वो उतना वर्क नहीं करेगा। तो जल्दी जल्दी करना है ये सारा काम। उसके बाद में हमें इसमें जो ब्लीच बूस्टर है ओलिविया का उसको ऐड करना है। तो ये बूस्टर क्रीमी है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो हमारा एक्टिवेटर और जो हमने क्रीम निकाला था वो पिंक कलर का है और ये थोड़ा सा ब्राउनिश इसमें टच है। इसको भी हम अच्छे से, क्योंकि इसमें स्वर्ण भस्म है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मिक्स करने के बाद अब हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो मैं पहले आपको हाथ पर दिखाती हूँ कि देखिए कैसे यूज़ करना है। तो इस तरह से आप इसको लगा लीजिए और इसको हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना है। अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा हेयर हैं, मोटे हैं, तो और थोड़ा रुक सकते हैं। इस तरह से आपको गले पर भी इसको अप्लाई करना है, लेकिन आपको ये याद रखना है जो आपके हेयर के छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं उनको नहीं करना है। तो 5 मिनट बाद आपको बेबी हेयर के ऊपर करना है, क्योंकि फिर हमारा जो फेस है बहुत ही ज़्यादा वाइट उस पर हेयर्स दिखने लगते हैं। तो उसको हमें बाद में करना है। जो हमारे अंडर आई एरिया है उसको भी हमें थोड़ा सा बाद में ही, मतलब कि 5 मिनट यूज़ करने के बाद इसको लगाना है, जिससे कि हमारी स्किन पर ज़्यादा जो सॉफ्ट स्किन है उस पर ज़्यादा असर ना हो। अब ईयर का एरिया है जो हमारे कानों का साइड, उसको भी हमें ऐसे करना है। तो इसको हमें सारे चीज़ को बाद में करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ये कान के साइड से, थोड़ा से हमारे कंधे गले के साइड में भी छोटे छोटे होते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो ब्लीच ना हो जाए तो उससे हमारी स्किन बहुत ही बुरी लगने लगती है, फेस अलग से दिखने लगता है कि हमने बहुत ही ज़्यादा ब्लीच कर लिया है। तो इसको हमें बाद में टच करना है। उसके बाद में आप 5 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए और उसके बाद में हमें वॉश करना है। तो अब हम ये हटा रहे हैं।
हटाने के बाद आप देखेंगे ये हमारा ब्लीच है, ये दोबारा से हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने फेस पर से ऐसे इसको रिमूव कर लेते हैं, और रिमूव करने के बाद देखेंगे हम इसके क्या करना है। तो आप इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए सारे फेस से आप इसको स्पून से निकाल लीजिए, उसके बाद में अपने हैंड्स पर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसमें अभी भी उतना असर है कि ये आपके हाथ पर अच्छे से काम कर जाएगा। तो हाथ के जो हल्के हल्के रोएँ होते हैं तो उनको भी आप ब्लीच कर सकते हैं इसी ब्लीच से। तो मैं अपने दोनों हैंड्स पर ऐसे लगा लेती हूँ और इसको फिर 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे से वर्क करे और मेरे हैंड्स पर भी। इतने ही पैसों में, 20 रुपए में आप अपने फेस पर, हैंड्स पर ब्लीच कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये डेमो, कैसे लगा? मुझे ये ब्लीच काफ़ी अच्छा लगा। इसमें इरिटेशन बहुत ही कम है, रेडनेस नहीं है, आंसू तो इसमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कलर देख सकते हैं आप कि यहाँ नहीं किया था, यहाँ पर किया है तो थोड़ा सा टच किया था, तो आप वहाँ देख सकते हैं कितना फेयर हो गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये ब्लीच बहुत ही अच्छा है, मुझे और ब्लीच से ज़्यादा बढ़िया पसंद आया, सस्ता भी है, अच्छा भी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको ज़रूर से बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे और भी अच्छी सी नोटिफिकेशन आपके पास आए सारी वीडियो की।